हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, फेस वॉश हम सभी यूज करते हैं क्योंकि फेस को डीपली क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए। और इंडियन मार्केट में फेस वॉश का कमी भी नहीं है, टॉक्सिक फेस वॉश का। और इतने सारे फेस वॉश के बीच में नेचुरल फेस वॉश ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि स्किन केयर ब्रांड्स SLS एंड पेराबेन फ्री के नाम पे किसी भी प्रोडक्ट को हमें नेचुरल बोल के चिपका देते हैं और हम भोले पब्लिक मान भी लेते हैं। बट उन प्रोडक्ट में नेचुरल के नाम पे एक दो ही इंग्रेडिएंट होता है एंड बाकी सब टॉक्सिक केमिकल इंग्रेडिएंट भरा हुआ होता है, जो हमारी स्किन का बैंड बजा देता है और स्किन का ग्लो भी छीन लेता है। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वॉशिमस वर्ल्ड है जेन्युइन प्रोडक्ट रिव्यू का ठिकाना। अगर जेन्युइन प्रोडक्ट रिव्यू चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये तो हो गया अपना थोड़ा सा प्रमोशन, तो आगे बढ़ते हैं। आज मैं फिर से और एक फेस वॉश का रिव्यू लेके हाजिर हो चुकी हूँ और आज मैं हर्ब साइंस रिवाइटलाइजिंग प्रो क्लींजिंग फेस वॉश का रिव्यू करूंगी। तो शुरू करते हैं। तो करना दोस्तों, शुरू करते हैं प्राइस से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं गरीब हूँ। इसका प्राइस है 250 ml का 468 rupees। इतना ज्यादा मैं तो ले ही नहीं पाऊंगी। खैर जो भी हो, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसने क्या क्लेम किया है। इसके मुताबिक ये फेस वॉश एक्ने को प्रिवेंट करता है एंड स्मूथ स्किन को प्रमोट करता है। देन इस फेस वॉश में सापोनिन है जो स्किन से डर्ट, पोल्यूशन एंड एक्सेसिव ऑयल को रिमूव करता है एंड ऑल्सो एंटी एजिंग भी है। इसके बाद इस फेस वॉश में विटामिन सी एंड जिंक है जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया से फाइट करता है। क्या फेंका है इसने। इसके बाद देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसमें यूज हुआ है सिंप्लोकोस रसामोसा, लेमन ग्रास, उसीरा, सरपंखा, टर्मरिक, मंजिस्टा, एलोवेरा, ऑरेंज पील, नीम, बेसल ऑयल, लोड ऑयल, ग्लूकोसाइड, कोको ग्लूकोसाइड, सोडियम ग्लूकानेट, जेंथोन गम, कैप्रिक ग्लूकोसाइड, सिट्रिक एसिड, बेंजिक एसिड एंड ऑरेंज ऑयल। क्या फेस वॉश है और इसका इंग्रेडिएंट भी कितना ज्यादा ऑसम है। इस फेस वॉश में एक भी सिंथेटिक इंग्रेडिएंट का यूज नहीं हुआ है, सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट है। और इसमें लोड ऑयल ग्लूकोसाइड, कोको ग्लूकोसाइड, सोडियम ग्लूकानेट, जेंथोन गम, कैप्रिक ग्लूकोसाइड एंड बेंजिक एसिड, इन सारे इंग्रेडिएंट को नेचुरली प्लांट से ड्राइव किया गया है। सो ये फेस वॉश 100% नेचुरल है और इस फेस वॉश को कोई भी यूज कर सकता है अगर बजट में फिट हो तो। लेकिन एक सेकंड, इसमें वाटर कहाँ है। इस फेस वॉश को बनाने में पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेंशन क्यों नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा शक तो रह ही जाता है, कहीं ये इसका की इंग्रेडिएंट ना हो। सो दोस्तों, आज यहीं तक। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।